सुधांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमने आपको पटना के एक राजमहल की दो वीडियो दिखाया है जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर और टेरेस यानी कि छत पर किस तरीके से गार्डनिंग की हुई है वो भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। और अब हम एक बार फिर आपको मिलवाते हैं इस राजमहल के मालिक और उनकी पोती जो कि खुद एक पेंटर हैं और एक नाना और इनके हैं। किस तरीके का ये जो घर है, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष वर्षा है और मैं सब प्रोफेशन से डेंटिस्ट्री कर रही हूँ और अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। आपने नाना ने तो अद्भुत मकान बना दिया ऐसा लग रहा है टूरिस्ट प्लेस है ये। हम बचपन से उन्हें ऐसे ही देखते आए हैं, वो हमेशा उन्हें पेंटिंग का और जैसे कोई भी ऐसा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला चीज़ होता है ना, ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा वो वेस्ट नहीं होने देते हैं। दिखाइए अपनी पेंटिंग। ये क्या है, इस पेंटिंग को क्या कहते हैं? ज़्यादा जानती नहीं हूँ पेंटिंग के बारे में, क्योंकि बस मुझे ऐसा शौक था बनाने का। तो लॉकडाउन में क्योंकि मैं बहुत फ्री थी और मेरे एग्ज़ाम्स भी हो चुके थे, तो मैंने सोचा कुछ नया ऐसा एक्सप्लोर करते हैं, तो मैंने ऐसा पेंट करने का ऐसा सोचा। तो मैंने इसमें एक्राइलिक कलर्स यूज़ किए हैं और साथ में इसको एक थोड़ा अलग सा टच देने के लिए मैंने साइड में इसका गोटा वर्क से इसका बॉर्डर पेंट किया है। और ये एक्राइलिक पेंट है और ये जो है ये एक मधुबनी पेंटिंग मैंने ट्राई किया था। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग बिहार का बहुत ही ऐसा फेमस आर्ट माना जाता है, तो वही मैंने सोचा क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ तो मुझे ये पेंटिंग ट्राई करना चाहिए। तो बस ये रहा। वैसे आप क्या करती हैं? मैं वैसे डेंटिस्ट हूँ और अभी मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई है, तो मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ लखनऊ से और उसके बाद अब मैं अपना पीजी परस्यू करूँगी डेंटिस्ट्री में और उसके बाद शायद क्लिनिक खोलूँगी। इसके आगे आते हैं, ये जो राजमहल है हर कण कण में पर्यावरण बचाने को संदेश दिया जा रहा है इस घर में, जो कि मतलब ऐसा आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मैसेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और क्योंकि ऐसा लोग बस आजकल क्योंकि अर्बनाइजेशन इतना बढ़ गया है, लोग बस अपना नया घर बनाने में एक घर दो घर ऐसा वो कहीं ऐसा रुक नहीं रहा है, तो इसकी वजह से ऐसा बहुत पेड़ कट रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम अल्टीमेटली ह्यूमंस को ही हो रही है। तो यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगता है जैसे हर एक कॉर्नर में एक अच्छा मैसेज मिला हुआ है कि कैसे हम अगर अपने एनवायरनमेंट को बचा कर रखेंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आपके दोस्त कभी घर आते होंगे तो क्या कहते होंगे? मेरे जितने भी दोस्त पहले मेरे घर आते हैं उन्हें मैं अपने नाना जी के घर घुमाने ज़रूर लाती हूँ और इनफैक्ट वो सारे पेंटिंग्स देख के बहुत ही खुश होते हैं। नाना जी अद्भुत हैं, कमाल हैं एकदम। ऐसा तो मुझे भी लगता है। अद्भुत हैं सर आप, कमाल हैं आप। बोला जाए क्या कहेंगे, आपकी जो नातिन है खूब तारीफ कर रही हैं आप। अरे वो तो इतनी अच्छी माने उसका ही है, एक ही लाइन में नहीं है ना, म्यूजिक में भी वो सही गाते हैं, डांस में भी वो सही है, मेडिकल में भी, यूनिवर्सिटी में इसका सेकेंड पोजिशन है, आप पेंटिंग वैसा ही है। अब इसके ऊपर निर्भर करता है किस लाइन में जाए, मेडिकल तो करिए नहीं है, पेंटिंग में पूरा ही है। बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र हो गई है लेकिन इतने सारे पौधे हैं छत पर जमीन पर, युवाओं को क्या संदेश देंगे हम? आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? हर युवा को चाहिए कि कम से कम महीना में एक पेड़ जरूर लगाए और उसका सेवा करे। काहे कि जब ये लोग पेड़ नहीं लगाएंगे तो इनका भी भविष्य खराब होगा और इनके संतान का भी भविष्य खराब होगा और देश तो खत्म। संदेश देंगे क्योंकि आपके नाना तो एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण बचाने को लेकर इन्होंने मुहिम छेड़ी है अपने घर से ही, आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप बड़े शहर में रहती हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहती हैं, लखनऊ में भी रही हैं, आप क्या संदेश देती हैं और अपने नाना के काम को आगे किस तरीके से बढ़ाएगी, क्योंकि यंगर जनरेशन है आप। जी सही कहा, क्योंकि मैं इसी जनरेशन की हूँ तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितना ज़रूरत है इंसान को बस उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि एक घर में ऐसा लोग चार चार कार रखते हैं, जब ज़रूरत नहीं है तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ें अपने घर पे रखो, एक मकान फिर दूसरा फिर तीसरा। तो इसकी वजह से ऐसा फॉरेस्ट या जो भी पेड़ वेड़ ज़मीन चाहिए होती है तो पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। और अगर आप कहीं पास में ही जा रहे हैं तो पैदल चल कर जाइए, ऐसा गाड़ी का इस्तेमाल ना करिए। मैं बस यही एक इंसान अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकता है इंसान वही करना चाहिए, इंसान को वो करना चाहिए। बाकी तो पेड़ लगाना चाहिए और चलिए पेड़ लगाना चाहिए, यही संदेश दे रही हैं।
फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।